मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन बीडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप हमारे साथ करेंगे राम की पैड़ी के साथ नागेश्वर नाथ मंदिर के दिव्य दर्शन। हरिद्वार में हर की पैड़ी के भांति अयोध्या में राम की पैड़ी को अविरल बनाया गया है। तो मित्रों, पिछली बार जब हम आए थे राम की पैड़ी पर, तो यहाँ राम की पैड़ी में जल नहीं था, लेकिन इस समय राम की पैड़ी में बहुत ही भरपूर जल है। तो इसके संपूर्ण दर्शन करवाएंगे और इसके बाद हम नागेश्वरनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ हमारे शिक्षक साथी भी आए हुए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। राम की पैड़ी का दृश्य बहुत ही सुंदर है, आपको देखने से ही बिल्कुल आनंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर अब भी धीरे धीरे कार्य हो ही रहा है। हमारे राइट हैंड पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर कार्य चल रहा था। ये देखिए, पत्थर की हट भी बनाई गई है और इसके सामने कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं। ये देखिए, स्लेट्स की तरह पत्थर रखे हुए हैं, जनरेटर भी है, तो इससे लग रहा है कि यहाँ पर कार्य हो रहा था और लगातार इसको सुंदर बनाने का कार्य भी चल रहा है। और दीप्योत्सव में ये राम की पैड़ी तो बहुत ही सुंदर लगती है, इसका दृश्य बहुत ही अनुपम रहता है। दीपोत्सव के दृश्य के साथ एक और दृश्य है जो राम की पैड़ी का बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। राम की पैड़ी का स्थिर जल और उस पर पड़ता हुआ प्रतिबिंब, जो सामने की बिल्डिंग बनी है, जब इसका प्रतिबिंब इस पर आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखने में लगता है कि ये बिल्डिंग जल में बनाई गई है। देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। तो हम लोग अभी आगे चल रहे हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि इसमें जल कैसे यहाँ पर लाया जाता है और लोग कैसे यहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। मित्रों, यदि आपको राम की पैड़ी के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने लिंक दे रखा है जो हमारे पूर्व में बनाया गया वीडियो है, तो उसमें हमने पूर्ण जानकारी दी है राम की पैड़ी के विषय में। देखिए यहाँ पे लोग बढ़िया स्नान कर रहे हैं। जय सरयू मैया, हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम सुंदर सुंदर व्यूज़ यहाँ के दिखा सकें। तो आप जब भी अयोध्या जी आइए तो राम की पैड़ी के दर्शन अवश्य प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ का ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो अब हम भी चलते हैं, सरयू जी के पवित्र जल में आचमन करते हैं। हमारे जो साथी हैं वो भी सरयू जी के जल में आचमन कर रहे हैं। जय सरयू मैया, जय श्री राम। देखिए कितनी तीव्र धारा यहाँ की, आप भी इन दृश्यों का आनंद लीजिए। देखिए बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं। बच्चे क्या, सभी जो भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी इस जल में पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ से हम आपको पूरा दूर तक का जो नज़ारा दिखा दें, देखिए कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा स्थान। चलिए हम आगे
राम की पैड़ी का दृश्य दिखा देते हैं जहाँ पर पंप सेट के द्वारा जल गिरता है। तो वो दृश्य बिल्कुल सामने ही है, सामने देखिए पंप चल रहे हैं। तो इससे ये सरयू जी का जल इस राम की पैड़ी में लाया जाता है। और देखिए यहाँ पर गहराई अधिक है, चेतावनी भी लिखी हुई है कि गहरे जल में ना जाएं, नहीं दुर्घटना घटित हो सकती है। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कहीं बाहर जाएं या किसी भी प्राकृतिक जल के स्रोत के पास जाएं तो गहराई में ना जाएं। तो सभी लोग पास में ही जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ ये कुछ बच्चे हैं जो शायद फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ऊपर से ही छलांग लगा दे रहे हैं। तो ऐसा भी ना करें। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। आगे चलते हैं, पुल से हम आपको अभी पूरा राम की पैड़ी का दृश्य दिखाते हैं। ऊंचाई से देखिए कितना सुंदर दृश्य है, इनका पूरा आनंद लीजिए। अब हम आपको राम की पैड़ी के सामने जो सरयू जी बह रही हैं, सरयू जी की अविरल धारा है, उसको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए सरयू जी का कितना सुंदर दृश्य है, दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। शायद यहीं कहीं से पंप के द्वारा जल राम की पैड़ी में डाला जाता है। यहाँ पर कुछ जल को रोकने का भी स्थान बना हुआ है। ये देखिए स्टीमर चल रहे हैं, तो ये स्टीमर पूरी आपको एक यात्रा करवाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। आप सभी इन दृश्यों का आनंद लेते रहिए। मित्रों, अब हम पुनः राम की पैड़ी होते हुए चल रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के दिव्य दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर स्थान है वो भी, तो उसको भी अभी हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। और ये देखिए इस समय ये पंप बंद कर दिए गए हैं, ये 6 पंप हैं कुल जिनके द्वारा जल इसमें डाला जाता है। और देखिए जलधारा भी बिल्कुल शांत हो गई है। तो हमें लगता है बीच बीच में शायद बंद कर दिए जाते हैं फिर चलाए जाते हैं, लेकिन सभी लोग पूरा आनंद ले रहे हैं इन दृश्यों का। हम सभी भी राम की पैड़ी के दाहिनी तरफ स्थित जो घाट है उनसे होते हुए नागेश्वरनाथ जी के मंदिर चल रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ की यात्रा बहुत ही सुंदर है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। और ये श्री नागेश्वरनाथ मंदिर का द्वार, आप जब भी राम की पैड़ी पर आएंगे तो आपको तुरंत सामने दिख जाएगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका संबंध त्रेता युग से है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पिछले वीडियोस में दे रखी है, तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय नागेश्वरनाथ महाराज की। बहुत ही सुंदर दर्शन हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया। आप भी मंदिर के दर्शन लाभ लें। अब हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं और हमारे साथ आए हुए जो माकाम भैया हैं उन्होंने हमें एक स्थान बताया जो कि मंदिर के बगल में, वो विद्यार्थी जीवन में यहाँ रहे थे, तो बता रहे थे कि हम ही इसी मकान में रहे हैं। बहुत ही सुंदर
यहाँ जब रहे होंगे तो भोलेनाथ के तो रोज़ दर्शन प्राप्त करते रहे होंगे आप। बहुत ही सुंदर स्थान। और आगे सामने देखिए ये यज्ञशाला है, यहाँ पर बहुत से लोग यज्ञ कर रहे हैं। और हम अब राम की पैड़ी होते हुए अब चलते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। और देखिए ये बंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में कूद रहे हैं और निकल रहे हैं। देखिए ये छलांग लगा गया, दूसरा भी लगा दिया और ये अब बाहर निकल के भाग रहे हैं। क्योंकि गर्मी अधिक है तो सभी बंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, इससे इनको शीतलता प्राप्त होती है। तो अब हम चल रहे हैं वापस और मिलेंगे अगली यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।